शुभ संध्या पिला माने मु निरंजन दक्षता इंस्टीट्यूट रही ऑनलाइन क्लासेस को समस्त को स्वागत करुची। आज वीडियो रे हमें दशम श्रेणी ज्यामितिर द्वितीय अध्याय वृत्त पाठटीर उपपाद्य आठ को प्रमाण करिबा। चलित वर्ष 30% सिलेबस रिडक्शन हो सारी हेतु वृत्त पाठटीर उपपाद्य सात को बाद दि जाए, तेणु आम उपपाद्य सात को छाड़ी क्रमान्वय आम बर्तमान उपपाद्य आठ को प्रमाण करवा। तेज चल पिले डेरी नक आज वीडियो को स्टार्ट करवा। प्रथम आम उपपाद्य आठ आरंभ करने पूर्व उपपाद्य सात और उपपाद्य सातर विपरीत कथन उपर टे आलोचना करवा। जेहेतु उपपाद्य सात को चलित सिलेबस रु बाद दि जाए तथापि उपपाद्य सात और उपपाद्य सातर विपरीत कथन संपर्क आमको सम्यक ज्ञान जाणवा दरकार। प्रमाण सिना करवानी किंतु से संपर्क में जहाँ कि कहा जाए तो सहीटा आमको शिखा दरकार। एटी मु आउ गोटे कथा कही रखुची पिले, वृत्त संपर्क यार बेसिक्स को नहीं गोटे भिड पूर्व प्रस्तुत कर सारी जार कि लिंक डिस्क्रिप्शन रे अच्छी तुम मैंने चेक कर तो से ही भिडियोटी देखिले तुम्हें वृत्त कौन वृत्तर केन्द्र कौन वृत्तर व्यासार्ध कौन वृत्तर व्यास कौन वृत्तर ज्या कौन वृत्तर अंतर्देश कौन वृत्तर बहिर्देश कौन ये डिटेल्स तुम्हें से भिडर पाइपर तो प्रथम से भिडटे देखि दि तर तुम्हें कंटिन्यू कर। तेब उपाद्य सात कौन अच्छी देख पिले से देखिए वृत्तर केन्द्र रु यार व्यास भिन्न एक ज्या प्रति अंकित लंब उक्त ज्या को समद्वि खंड करे। तो देख पे ये जो उपाद्य सतर से कौन कौन ना वृत्तर केन्द्र रु यार व्यास भिन्न एक ज्या देख पे यहाँ है वृत्तर केन्द्र ये वृत्तर केन्द्र रु कौन करा व्यास को छाड़ी अगर जेकोसी एक ज्या तुम तो जान रख पे व्यासटा हूँ मध्य गोटे ज्या किंतु ये व्यास को छाड़देला अन्य जेकोसी ज्या प्रति जदि केन्द्र बिंदु जदि आम लंब अंकन करवा से ही लंबटा कौन कर उक्त ज्याटी को समद्वि खंड करदेव। ठीक अच्छे तो ये जो देख एबी होगा गोटे कौन ज्या कौन है ना एबी उपर ओडी कौन हो लंब अंकन हो लंब अंकन होगा जो ये कौन है ना एडी इज इक्वल टू बीडी होगा बुझिपाल पे अर्थात यही ज्याटा को कौन कले सी समद्वि खंड करदेला। तो ये उपपाद्य सात एवं आम देखा उपपाद्य सतर विपरीत कथन देख तार उल्टाटा पीले कौन अच्छे ना कौन से वृत्तर व्यास भिन्न एक ज्यार मध्यबिंदु और केन्द्र को जोग करुवा रेखा उक्त ज्या प्रति लंब अटे। तो भल बुझ पे से कहते ना कौन से वृत्तर व्यास भिन्न एक ज्यार मध्यबिंदु तो देख पे ये जो ज्याटा नहींगला यहाँ कौन अच्छे व्यास भिन्न एक ज्या। ठीक अच्छे तो व्यासटा को ये ग्रहण कराए ठीक है तो ये कौन है ना व्यास भिन्न एक ज्या तेणु यही ज्यार मध्यबिंदु अर्थात ये डी ओ केन्द्र को जोग करुवा रेखा देख पे केन्द्र किए अच्छे ओ अर्थात यही ओ आउ डी को संजोग कर जो रेखा टीए कौन कर ना उक्त ज्या प्रति लंब हम अर्थात ए बी प्रति से कौन कर लंब हम अर्थात ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी हो जीवो। ठीक अच्छे तो उपपाद्य सात आम कौन करते ना उपपाद्य सात ए डी इज इक्वल टू बी डी बोली आम प्रमाण करते कि ये कौन है तार उल्टाटा दे कौन है ना ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी इमिट हो गला। ठीक अच्छे ये कौन थी ना ये लंब होगा जो यहाँ कौन कला सी ज्याटा को समाधि खंड कला कितु ये कौन देती ना ज्यार मध्यबिंदु उक्त केन्द्र को जोग कर रेखाखंड ज्या प्रति लंब हम अर्थात ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी हो गला। ठीक अच्छे तो ये थिला उपपाद्य सात आ उपपाद्य सातर विपरीत गठन एवं आम जा उपपाद्य आठ। तो उपपाद्य आठ कौन अच्छे देख पिले गोटे वृत्तर समान द्रव्य विशिष्ट ज्या मान केन्द्र ठारु समुद्रवर्ती। ठीक अच्छे तो यही उपपाद्य टी आम कौन करवा बर्तमान प्रमाण करवा। तो प्रथम कौन लिखा देख पिले प्रथम लिखीदे दत्त तो लिखीद देख पिले दत्त तो दत्तरे कौन लिखा दत्त लिखीद एस वृत्तरे तो लिखीद एस वृत्तरे देख पिले एस वृत्तरे ए बी ओ सी डी दुईट जा ए बी ओ सी डी तो लिखीद ए बी ओ सी डी दुईट जा दुईट जा तर कौन लिखा ना एवं ए बी इज इक्वल टू सी डी जेहेतु से कौन कही सामान द्रव्य विशिष्ट जा
तेणु ये कौन हो ए बी इज इक्वल टू सी डी तेणु ज्या द्वारा तो लिखा सामान होगा तापर कौन करवा ना ओ है वृत्तर केन्द्र तो लिखीद ओ वृत्तर केन्द्र ओ वृत्तर केन्द्र ठीक अच्छे तापर कौन करवा ना ओई एवं ओएफ लिखीद ओई ठीक अच्छे ओई एवं ओएफ ठीक अच्छे ओई एवं ओएफ यथाक्रमे यथाक्रमे एबीओ एबीओ सीडी प्रति एबीओ सीडी प्रति लंब ठीक अच्छे तो ए जो ओई आउ ओएफ ये कौन है ना एबी प्रति लंब के ओई देन सीडी प्रति लंब हो के ओएफ ठीक अच्छे तो ये थिला दत्त एवं आम कौन करवा प्रामाण्य तो प्रामाण्य कौन लिखा देख तो प्रामाण्य जोटा प्रमाण करवा से लिखा ठीक अच्छे तो से कौन कही ना सामान द्रव्य विशिष्ट जा मानते केन्द्र ठार समुद्रवर्ती अर्थात आम कौन करवा ना ओ इक्वाल टू ओ एफ ए जिन लिखीद तो कौन लिखा ना ओ इज इक्वाल टू ओ एफ तो यहीटा को आम प्रमाण करवा तो एम कौन करा पड़े तो ये गोटे अंकन करा पड़े तो कौन अंकन करवा देख तो ये हमको अंकन करा पड़ो तो कौन अंकन करवा ना ओ बी आउ ओ सी ए दुटा आम अंकन करदा तो लिखीद ओ बी ओ ओ सी अंकन करा जाओ अंकन करा जाओ ठीक अच्छे देन आम प्रमाण करवा देख पे कौन करवा देन प्रमाण तो प्रमाण कौन करवा देख पे जेहेतु ओई इज परपेंडिकुलर अन कौन है ए बी होगा तो लिखीद जेहेतु जेहेतु ना ओई जेहेतु ओई इज परपेंडिकुलर अन ए बी ठीक अच्छे तेणु कौन है पिले ना जेहेतु ओई ए बी परपेंडिकुलर है ओईटा ए बी उपरे तेणु आम उपाद्य सात पढ़ते तो से कौन हम ना ए इक्वल टू ए बी हो ठीक अच्छे तेणु ये जो ज्याटा को कौन कर समाधि खंड कर लिखीद तेणु तेणु ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए बी ठीक अच्छे अर्थात ये जो इबीटा कौन हम ना ए बी रधा हो अर्थात लिखीद अर्थात 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 कौन लिखा ना इ बी इज इक्वल टू कौन हो ना ए बी रधा हो हाफ ए बी बुझिपार क्लीयरली एवं आम कौन करवा देन एपट सैटा यहाँ जी ए बी उपरे एपट देखा सी डी तो यहाँ कौन हम तापर कौन लिखा ना जेहेतु लिखीद जेहेतु जेहेतु कौन करवा ना ओ एफ ओ एफ डा देख पे का लंब होती ना सी डी तो लिखीद ओ एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी ठीक अच्छे तेणु ये कौन हो तेणु तेणु ये कौन हो ना सी एफ इक्वल टू डी एफ हो ठीक अच्छे तो लिखीद तेणु ये कौन एफ डर कर तो डी एफ इज इक्वल टू सी एफ या लिखीद अर्थात अर्थात ये कौन करदे ना सी एफ इज इक्वल टू कौन हो हाफ सी डी ठीक अच्छे तो एवं आम कौन करवा देख किंतु लिखा किंतु किंतु ना ए बी इज इक्वल टू सी डी देख बोले यहाँ दत्तर थी तो ब्राके लिखीद दत्तर अच्छी बोली ठीक अच्छे जेहेतु ए बी इज इक्वल टू सी डी तेणु हाफ ए बी इज इक्वल टू मतलब हाफ सी डी हे अर्थात ये कनफर्म हो गला आम ए बी इज इक्वल टू सी एफ तो लिखीद फर कौन आसला ना ए बी इज इक्वल टू सी एफ ठीक अच्छे एवं आम कौन करवा ना ये जो ओ बी आउ ओ एफ सी अच्छे ठीक अच्छे देख पे ओ बी आउ ओ एफ सी ए दुटा त्रिभुज को आम कंपेयर करवा तो लिखीद कौन ना त्रिभुज ओ बी ओ त्रिभुज ओ एफ सी मध्य ठीक अच्छे तो ये आम देख पे कंपेयर करवा तो कौन करवा देख टिके नहीं जाऊँ ठीक बास तो देख कौन करवा जदि आम कंपेयर करवा देख पे तो प्रथम कौन करवा देख प्रथम देख ना इ बी इक्वल टू सी एफ हो तो इ बी इक्वल टू सी एफ जोटा आम प्रमाण कले तो लिखीद पूर्वर प्रमाणित पूर्वर प्रमाणित ठीक अच्छे देन कौन करवा देख ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा ठीक अच्छे ओ बी इक्वल टू ओ सी
तो ओ बी इक्वल टू ओ सी निश्चित भाव में कहीं ये दुटा हूँ कौन एका वृत्तर व्यासार्ध तो लिखीद एका वृत्तर व्यासार्ध देन कौन करवा ना ओ भी देख बिले ए जो कोणटा ए दीटा कोण कौन हो परस्पर समकोण हो तो अर्थात ए कोण समान होगा तो देख बिले एंगल तो लिखीद एम ऑफ एंगल ओ बी इज इक्वल टू एम ऑफ एंगल ओ एफ सी ठीक अच्छे लिखीद प्रत्येक समकोण प्रत्येक समकोण तो जेहेतु ए दीटा समकोण हो गले तेणु दीटा कौन कौन परस्पर सामान हो गले तो देख पिले एबे देख पिले जो ओ बी ओ एफ सी भितर जामे कंपेयर करले तो कौन हैला इ बी इक्वल टू देख पिले एटी देख इ बी इक्वल टू सी एफ हैला ठीक अच्छे देन कौन हैला ना ओ बी इक्वल टू ओ सी हैला देन ओ बी इक्वल टू देख ए कुंड समान अर्थात आम जब इटि भल भाव देखा तो ये सक जो सर्वसम्मता अच्छी आमर तो सहीटा को बर्तमान फलो कर देख पिले तो ये ओ बी कौन है समकोण है ठीक अच्छे तो देख ये कौन है समकोण है ओ बी समकोण देन एटा ओ ओ बी हैला कर्ण तो समकोण कर्ण देन ओ हैला बाहु तो समकोण देन कर्ण बाहु अर्थात सकवा ये कम करा तो लिखीद देयरफॉर तो शेष कौन लिख देयरफॉर ये लिखीद त्रिभुज ओ बी ए दुटा त्रिभुज कौन होना ओ बी त्रिभुज ओ एफ सी कौन हो सर्वसम हो तो सर्वसम चिन्ह लिखे कहीं ना यहाँ सकवा तो सकवा सर्वसम्मता ठीक अच्छे ये सकवा सर्व सर्वसम्मता अनुसार ओ बी आउ ओ एफ सी ए दुटा त्रिभुज कौन है सर्वसम है अच्छा देख पी जदि सर्वसम है अर्थात यार तीन जाक कोण यार तीन जाक कोण सामान हे यार तीन जाक बाहू यार तीन जाक बाहू सामान हे तो आमको दरकार कौन ना ओ इक्वल टू ओ एफ प्रमाण कर लिखीद आम ओ इक्वल टू ओ एफ लिखीद ठीक अच्छे तो लिखीद कौन ना ओ इक्वल टू शेष लिखीद देयरफॉर ओ इक्वल टू ओ एफ ठीक अच्छे तो लिखीद बर्तमान प्रमाणित डट 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 प्रमाणित ठीक अच्छे तो ये थिला उपपाद्य आठ तो उपपाद्य आठ रो कौन विपरीत कथन अच्छे बर्तमान आम देखा तो उपपाद्य आठ रो विपरीत कथन अच्छी गोटे वृत्तरे केन्द्र ठारु समदूरवर्ती ज्या मानकर द्रव्य सामान हे तो देख पी उपपाद्य आठ आम कौन करते ना जदि वृत्तटर सामान द्रव्य विशिष्ट ज्या मैंने कौन करेंगे केन्द्र ठारु सामान दूरवर्ती हे अर्थात जदि ये ज्या दुटार द्रव्य सामान थी तेल ये कौन हम केन्द्र टू सामान हे अर्थात ओ इक्वल टू ओ एफ हे तो ये विपरीत कौन होना जदि ओ इक्वल टू ओ एफ होते ज्या दुईटर द्रव्य सामान हो अर्थात गोटे वृत्तरे केन्द्र ठारु समदूरवर्ती ज्या मानकर द्रव्य सामान हो ठीक अच्छे तो ये थिला उपपाद्य आठ एवं आम देखा अनुसिद्धांत कौन अच्छे तो अनुसिद्धांत एक अनुसार गोटे वृत्तर दुईटी ज्या मध्य केन्द्र ठारु दूरवर्ती ज्यार द्रव्य निकटतर ज्यार द्रव्य ठारु क्षुद्रतर तो देख पी जदि गोटे वृत्तरे दुईटा ज्या थी तो देख ये आप तो सामान द्रव्य नहीं जाए तो जेहेतु ज्या मानकर द्रव्य सामान थी तेनाली सामान दूरवर्ती है जदि इमिति ज्या दुटा थी जे द्रव्य असमान मन कर देख पी ये मुझे अलग गोटे ज्या अंकन कर मन कर ये गोटे ज्या अंकन करदेली ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ गोटे बड़ ज्या आईटा हूँ गोटे सान ज्या तो ये सी कौन दूसरी बोले ना गोटे वृत्तर दुईट ज्या दुटा ज्या केन्द्र ठार दूरवर्ती ज्यार द्रव्य तो देख पी ये जो केन्द्रटा अच्छी ओ तो ये देख यो ओ केन्द्र अच्छी यहाँ कहला टी दूर होगा ये पाखला तो सी कहे जे केन्द्र ठारु दूरवर्ती ज्यार द्रव्य निकटतर ज्यार द्रव्य ठार क्षुद्रतर अर्थात यहीटा जेहेतु दूर है तेणु ये ज्यार द्रव्यटा सान हम आईटा जेहेतु पाखला तेणु यही ज्यार द्रव्यटा बड़ हम ठीक से आम अनुसिद्धांत दुई देखा अनुसिद्धांत दुई मध्य कथा हिं कौन कौन कहते देख अनुसिद्धांत दुई गोटे वृत्तर दुईट ज्या मध्य क्षुद्रतर ज्याटी केन्द्र ठार अधिक दूरवर्ती तो देख पी से कौन कौन ना जो ज्याटर द्रव्य सान होता केन्द्र ठू अधिका दूर हे ठीक अच्छे तेणु ये कहला देख पे ये जो आम ये ज्याट अंकन करते यहाँ जेहतु सान होगा तेणु ये केन्द्र ठू दूर अच्छी आईटा जेहतु या ठू टे बड़ अच्छी तेणु ये आठ टे पाख अच्छे ठीक अच्छे तेणु ये उपपाद्य आठ आउ उपपाद्य आठ र विपरीत कथन आउ अनुसिद्धांत
तेबे आज वीडियो को आम ए शेष करवा जदि वीडियो पसंद आसी तो निश्चित रूप लाइक कर कमेंट कर सेयार कर आदि चैनल को एपर्त सब्सक्राइब करना हो तो तुरंत सब्सक्राइब करदेव तेज चलो बोले वीडियो को आम ए शेष करवा कीप लर्निंग कीप ड्रॉइंग धन्यवाद।